आज दूध पेड़ा बनाएंगे। दूध पेड़ा के लिए मैंने 300 ग्राम खोवा लिया है। उस खोए को कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये स्वीटलेस खोवा है, इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसको मीडियम आंच में ऐसा बुनेंगे। देखिए, बुनते बुनते ये गीला हो जाएगा। देखिए कैसा गीला हुआ है। ऐसा बुनते ही रहना है, मीडियम आंच में, फुल आंच नहीं रखना है। देखिए सारा गीलापन चला गया है। ऐसा जब तक वो सब गीलापन नहीं जाए तब तक इसको बुनना है। देखिए कितना अच्छा, कढ़ाई को भी नहीं लग रहा है अभी। देखिए कढ़ाई को भी नहीं लग रहा है, अच्छा बुन गया है। इसमें अभी एक स्पून जितना चीनी का पाउडर, तो स्वाद अनुसार हम डाल सकते हैं, कहीं ज़्यादा खाते कम खाते, तो एक केवी जितना डाला है। इसमें यालची पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स करने से वो चीनी के कारण फिर से गीला हो जाएगा। देखिए ऐसा गीला हो गया ना, तो इसको एक 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो रखने से वो फिर से गोल बन जाएगा। देखिए अच्छा ठंडा हो गया है। इसको ऐसा राउंड राउंड गोल गोल ये बना लिए हैं। देखिए मशीन में, पेड़ा मशीन में इसको ऐसा प्रेस करके निकालेंगे। कितना अच्छा सुंदर शेप निकला है। ऐसा रख के थोड़ा ऐसा प्रेस करेंगे। देखिए पेड़ा मशीन नहीं हो तो उसको एक थाली पर जमा करके काट भी रख सकते हैं। उसके ऊपर वर्क डाल के दूध पेड़ा रेडी।